नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। और आज हम जिस विषय में बात करना चाहते हैं वो करंट इंटरेस्ट का टॉपिक है, डेंगू। डेंगू का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, परिवार में किसी को हो जाए तो सभी लोग चिंताग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन हम इस विषय में नहीं सोचते कि डेंगू होने के बाद डॉक्टर से इलाज संभव है, पर क्या उसे रोकना भी संभव है। हम गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को दोष देते हैं, वो पूरी कार्रवाई नहीं करते हैं, हर साल मच्छर हो जाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल ऑफ पेरेंट्स और सोसाइटी, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। जो डेंगू बीमारी है वो क्या है, वो एक वायरस है जिसके चार टाइप 1, 2, 3, 4 होते हैं जो ये बीमारी करती हैं। वो पास बैठने से नहीं फैलता है, छूने से नहीं फैलता है, सेम रूम में रहने से नहीं फैलता, वो फैलता है मच्छर के द्वारा। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, वैसे एडीस एक मच्छर होता है जो डेंगू वायरस को फैलाता है। तो प्राइमरीली मच्छर के काटने को रोकने से आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज़, इस मौसम के अंदर आपको फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए, लॉन्ग पैंट्स यूज़ करनी चाहिए, उससे मच्छर की काटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। नंबर टू, वाटर कलेक्शन, घर में, कूलर में, छोटे बर्तनों में, अपने घर के बाहर डिपेंडेंट एरियाज में पानी इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पे मच्छर के लार्वा और अंडे डेवलप होते हैं, उन एरियाज को आप वाटर फ्री कर सकते हैं और मच्छर का जन्म लेना कम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं फॉगिंग। हम हमेशा फॉगिंग के लिए अपने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को दोष देते हैं, बट आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो फॉगिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपना सपोर्ट करते हैं, बट फॉगिंग में सेल्फिश ना हो। अगर आप अपने घर की फॉगिंग कर रहे हैं उससे मच्छर नहीं होगा, आपको अपने घर, अपने दोनों तरफ के पड़ोसी, सामने और पीछे वाले घर, इन 5 घरों में जब आप फॉगिंग कराएंगे तो आप उस मच्छर को रोक पाएंगे। वह मच्छर के लिए बाउंड्री नहीं होती, बाउंड्री घरों के लिए होती है, आप और हमारे लिए होती है, मच्छर के लिए नहीं होती है। चौथी चीज़, आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, सारे लिक्विड फॉर्मुलेशन अपने आते हैं, मैट्स आती हैं, वो आप घर में यूज़ करें। दूसरा, आप लिक्विड फॉर्मुलेशन जो आप स्किन पे और कपड़ों पे अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। खास करके सुबह और शाम के वक्त मच्छर बढ़ जाते हैं, अदरवाइज एडीस मच्छर जो होता है आपको दिन और रात दोनों में काट सकता है। ये सारी चीज़ें करने से हम डेंगू को रोक सकते हैं। इन समस्त प्रयासों के बावजूद भी अगर हमें दिक्कत आती है तो हमें ये पहचानना है कि डेंगू कब हो सकता है, क्या उसके लक्षण हैं। नंबर एक, आपको तेज बुखार है, हाथ पाँव में दर्द, सिर दर्द, उल्टियाँ, गले में खराश, नाक मुँह कहीं से ब्लीडिंग आना, लाल लाल रैश हो जाना, ये सब लक्षण जो होते हैं वो हमारे डेंगू हैं। जब भी आपको लगता है ऐसा कोई लक्षण हो रहा है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। थैंक यू।